डर लग रहा है तुम्हें? डरो मत, तुम्हें पता है ना, जो डर गया वो मर गया। मैं बस पहुंच रहा हूँ, विंसेंट रोड पे जो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है वहीं पे है ना? हाँ, उसी बिल्डिंग में सर। प्लीज आप जल्दी आ जाइए, प्लीज सर मुझे बचा लीजिए, सर प्लीज जल्दी आकर मुझे बचा लीजिए सर। देखो कुछ नहीं होगा तुम्हें, तुम घबराओ मत, मैं बस पहुंचने वाला हूँ। आप अगर जल्दी नहीं आना सर तो वो लोग मुझे मार डालेंगे, मैं बचूंगी नहीं सर। कौन कौन मार डालेगा तुम्हें? कौन है वो आदमी? है कौन वो? वो मेरे हेलो 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 माय गॉड। सचिन, विंसेंट रोड में जो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है वहां पे एक लड़की की जान खतरे में है। सर वो लड़की मर चुकी है सर। क्या वो लड़की मर चुकी? कैसे? हाँ सर, मुझे पहुंचने में देर हो गई। Damn it. अच्छा तुमने देखा वहां पर किसी को? नहीं सर, यहाँ पे तो कोई दिखाई नहीं पड़ा। अच्छा तुम एग्जैक्ट लोकेशन बताओ। तो ये विंसेंट रोड के कॉर्नर पे जो जंगल जहाँ से शुरू होता है ना, उसके ठीक। हेलो अभिजीत, हेलो हेलो हेलो, क्या हुआ सर? अभिजीत सर ठीक तो है ना? समझ में नहीं आता, अचानक चीखने की आवाज सुनी मैंने।
अभिजीत के फोन को अचानक क्या हुआ? बंद कैसे हो गया ये? सर, कहीं अभिजीत सर को कुछ हो तो नहीं गया? बेटी क्या बोल रहे हो तुम? क्या हो सकता है? कुछ नहीं होगा अभिजीत को। भगाओ गाड़ी सचिन, भगाओ। अगर अभिजीत सर की गाड़ी तो यहीं पे है। अभिजीत, अभिजीत, अभिजीत सर, अभिजीत। सचिन, तुम अरविंद उस तरफ से जाओ, हम लोग यहां से ही जाते। और हाँ, अगर जरा भी गड़बड़ लगी ना तो गोली चला देना। हाँ ये मर चुकी। अरे संभल क्या? सर इसे तो बहुत टॉर्चर किया है। हाँ, देखो किस तरह से बांध के रखा है बेचारी को कुर्सी पर। सर, हाँ, इसका मोबाइल टेप से बंद किया गया था। ये देखिए, टेप पे लिपस्टिक के निशान है। हाँ, वाकई। अरे, अगर ये लड़की यहाँ पर है तो फिर अभिजीत कहाँ है? अभिजीत सर का कहीं कोई पता नहीं चला। कहीं भी पता नहीं चला? फिर कहां होगा अभिजीत? कहां होगा ये? सर, हाँ, ये देखिए सर, इसे गला घोट के मारा गया। गले पे उंगलियों के निशान दिख रहे हैं। सर, हाँ, सर ये देखिए, ये फोन मिला है, टूटा हुआ है। सर, किसी ने जानबूझकर तो नहीं? ये फोन कहीं इस लड़की का तो नहीं है? हो सकता है। सर, सर ये देखिए, अभिजीत सर का फोन, ये भी टूटा हुआ है सर। हाँ, और सर ये रॉड भी मिली है सर, ये देखिए, इसके ऊपर खून लगा है और बाल भी। सचिन, ये बाल तो छोटे हैं, इसका मतलब है ये बाल इस लड़की के नहीं हो सकते हैं। ये बाल तो अभिजीत के होंगे। अभिजीत को इस रॉड से सिर के पीछे मारा है और फिर यहां से ले जाया गया, लेकिन इतनी जल्दी कैसे कोई अभिजीत को ले जा सकता है? विनित, फ्रेडी, जाओ जाकर देखो, देखो कि इसने कुछ देखा है क्या। जल्दी अभिजीत, थैंक गॉड। कौन हो तुम हैं? और मुझे हम बांध के क्या रखा है? इतने एक्साइटेड क्यों हो रहे हो तुम? हाँ, रिलैक्स, मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगी। जस्ट रिलैक्स।
पहले खोलो मुझे, खोलो मुझे। तुम्हें खोलना ही होता तो तुम्हें भांगती ही क्यों अभिजीत? I mean, तुम्हें पता है कि तुम मेरे हीरो हो। मैं तुम्हारी सबसे बड़ी फैन हूँ। Oh God, I can't believe it. I mean, मेरा हीरो, मेरे सपनों का राजकुमार आज मेरे सामने मेरे ही घर में है। तुम्हें पता है अभिजीत, सपने जब पूरे होते ना तो बहुत अच्छा लगता है ना। मैं कितने सालों से इस दिन का इंतजार कर रही थी। तुम्हें पता है? बताती हूँ। 1, 2, 9, 4। बकवास बंद करो, बंद करो बकवास। कौन हो तुम? कौन हो तुम? सॉरी, मैं भी कितनी भुलक्कड़ हूँ। आई मीन, तुम्हारी फैन हूँ ये तो बता दिया, लेकिन अपना नाम तो बताया ही नहीं। मेरा नाम रोशनी है। मेरा नाम तुम्हें पसंद आया? बोलो ना, पसंद आया ना मेरा नाम? रोशनी, अच्छा नाम है तुम्हारा, हैं? देखो, मेरे हाथ खोल दो। अगर तुम्हारे हाथ खोल दूंगी तो तुम भाग जाओगे ना, हाँ? मुझसे दूर चले जाओगे तुम, और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती हूँ अभिजीत। मैं तुम्हें खोने से डरती हूँ। क्या करूँ? मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ। मेरे हाथ खोलो, समझे? हाथ खोलो मेरे, हाथ खोलो मेरे, खोलो। फिर से मत कहना। तुम्हें बार-बार मना करना अच्छा भी नहीं लगता। थोड़ा मेरे बारे में भी तो सोचो। मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ और इतने सालों के बाद तुम्हें अपने सामने पाया है मैंने। देखो रोशनी, मैं तुम्हें जानता तक नहीं। पहली बार मैं तुम्हें देख रहा हूँ, और तुम जानती हो ना मैं कौन हूँ, हैं? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम कौन हो। जितना मैं जानती हूँ उतना तुम भी अपने बारे में नहीं जानते होगे। अपने बारे में कुछ भी पूछ लो मुझसे। तुम्हारा नाम अभिजीत है, जिसकी हमेशा जीत होती है। तुम एक अच्छे और सच्चे सीआईडी ऑफिसर हो। मुझे तुम्हारा पूरा इतिहास पता है, तुम्हारा वर्तमान पता है, तुम्हारा भविष्य पता है, और तुम्हारा भविष्य मेरे साथ है। Shut up! बंद करो ये ड्रामा। तुम्हें तो किसी साइकेट्रिस्ट के पास होना चाहिए। दिमाग ठिकाने पर नहीं है तुम्हारा। खोलो मुझे। क्या कर रही हो, हाँ? क्या ये? रोशनी, देखो ये तुम ठीक नहीं कर रही हो। नहीं नहीं रोशनी, नहीं। देखो बहुत भारी पड़ेगा तुम्हें। सॉरी, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी, लेकिन मैं क्या करूं? तुमने ही मुझे मजबूर किया। भारी पड़ेगा तुम्हें। Thank you.
होश में नहीं, बेहोशी में ही सही। प्यार तो तुम मुझसे करोगे ही, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। उर्वी, जरा इसकी मुट्ठी खोलो, देखो कुछ है क्या। सब इसे तो अभिजीत सर को कॉल किए हुए आधे घंटे से ज्यादा हुआ ही नहीं, तो फिर इसकी उंगलियां इतनी सख्त कैसे हो सकती हैं? पूर्वी, इसकी उंगलियां, इसका बदन सख्त इसलिए हुआ है क्योंकि राइगर मोर्टिस हुआ, राइगर मोर्टिस। और राइगर मोर्टिस तभी होता है जब मौत 3 घंटे पहले होती है, कम से कम 3 घंटे पहले। इसका मतलब है इस लड़की की मौत 3 घंटे पहले हुई है। अभिजीत को फोन इस लड़की ने नहीं किया है, इस लड़की ने फोन नहीं किया। लेकिन सर, अभिजीत सर को कौन कर सकता है फोन? सारा मामला समझ में आ गया सुशील। पहले खूनी ने इस लड़की को मारा और फिर उसी के फोन से अभिजीत को फोन करके यहाँ बुला लिया। जैसे अभिजीत यहाँ आया, खूनी ने उसके सिर पर वार करके उसे मारा और फिर इन दोनों के फोन तोड़ दिए ताकि हम उस तक नहीं पहुंचे। और फिर अभिजीत को यहाँ से वो लेकर गया, लेकर गया, लेकिन कहाँ? सर, बाहर 2-4 लोगों से पूछताछ की सर, किसी को भी कुछ नहीं मालूम। सर, सर, इसके कुर्ते में ये लॉन्ड्री का टैग मिला है। एके लॉन्ड्री, बस तब इसी लॉन्ड्री से पता चलेगा कि ये लड़की कौन है और अभिजीत कहाँ है। देख, यही घर है ना? सर, मैंने लॉन्ड्री वाले से पता किया है, वो लड़की यहीं रहती थी। सर, घर की हालत देखकर तो लगता है कि काफी दिनों से सफाई नहीं हुई। हाँ? सर, हाँ? वही लड़की है, सही घर पे है। बस सुबह काम करो, कल को अच्छी तरह से ढूंढो, एक एक कोना छान मारो, जरूर कोई ना कोई सबूत तो मिलेगा ही मिलेगा। इसे पता चल जाएगा कि अभिजीत को कहाँ छुपा के रखा है। क्या फ्रेडी? ये देखिए सर, ड्रग्स का पैकेट। ड्रग्स? ड्रग्स को नहीं पाऊंगा। आज तो मजा आ गया। सॉरी सर, वेरी वेरी सॉरी, मैं गलत घर पे आ गया, गलत घर पे। मैं जा रहा हूं। ओए, ये तो मेरा घर है, मैं अपने घर पे, अपने घर में। आप लोग मेरे घर में कैसे घुस आए? कौन है आप लोग? हम लोग सीआरडी से। तुम कौन? सर, मैं नितिन, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ सर। तुमने अगर कुछ नहीं किया तो फिर ये ड्रग्स तुम्हारे घर में कैसे? कैसे ये ड्रग्स तुम्हारे घर में? देख,
मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। किसके लिए काम करते हो तुम बताओ? सर मैं काम ही नहीं करता हूं कुछ। देख नितिन, अगर तुम्हारी जुबान नहीं चली ना तो ये हाथ चलेगा। नहीं सर, नहीं सर, मत मारिए सर, मैं सच सच बताता हूँ सर। तो फिर बताओ वो ड्रग्स तुम्हारे घर में कैसे आए? ड्रग्स नहीं सर, नहीं नहीं सर, मुझे कुछ नहीं पता सर, ड्रग्स के बारे में कुछ नहीं पता सर मुझे। तुम ड्रग्स बेचते हो ना? हाँ, ड्रग्स बेचते हो ना? मैंने ड्रग्स को आज तक चुहा भी नहीं है सर। मेरे लिए तो मैं भला और दारू भली है सर। और तुम्हारी पत्नी पूजा? पूजा मुझे कुछ नहीं पता सर, कुछ नहीं पता मुझे। तुम्हें ये तो पता है ना कि तुम्हारी बीवी पूजा, उसकी मौत हो गई। पूजा मर गई? कहाँ, कब, कैसे? इन सारे सवालों का जवाब हम बाद में देंगे, पहले हमारे सवालों का जवाब दो। किसने मारा पूजा को? पूजा को किसने मारा मुझे कुछ नहीं पता सर। हाँ सर, देर रात उसे छोड़ने कोई आदमी आया करता था सर। कौन है वो? मैंने उसका चेहरा नहीं देखा सर, वो कभी गाड़ी से उतरता नहीं था सर। अच्छा, तुम और तुम्हारी बीवी पूजा अभिजीत को जानते थे? अभिजीत सर, वो देर रात जो उसको छोड़ने आता था ना सर, वो अभिजीत ही होगा सर। जब तुमने देखा ही नहीं तो कैसे बोल सकते हो कि वो अभिजीत था? लगता है सर इसका नशा अभी तक उतरा नहीं है, उतारो क्या? नहीं सर, नहीं, मत मारिए सर, मैं सच बताता हूँ सर, मुझे सिर्फ इतना पता है कि पूजा थोड़े पैसे के लिए छोटी मोटी हेरा फेरी किया करती थी सर। कैसी हेरा फेरी? मैंने कभी पूछा नहीं सर, कभी नहीं पूछा सर। वो मुझे दारू के लिए पैसे दे दिया करती थी, मैंने कोई सवाल जवाब नहीं किया सर उसके पास सर, कोई सवाल जवाब नहीं सर। बीवी से पैसे लेने के अलावा कुछ और भी मालूम था तुम्हें? वो कहाँ जाती थी, किससे मिलती थी, कुछ मालूम है? हाँ सर, एक बार जब मैं नशे में नहीं था तो मेरे अंदर का पति जागा, मैंने उसका पीछा किया, वो नवी मुंबई बेलापुर के मंदिर के पीछे गई थी सर। तो क्या पता चला? उसके बाद मैंने बियर बार देखा तो अंदर का पति मर गया और तुम शराब पीने बैठ गए। तो लगता है सच बोल रहा है। हाँ दया, लेकिन इस केस की अगली कड़ी बेलापुर में ही है। अभिजीत, तो क्या सोचा है तुमने मेरे बारे में, मेरे प्यार के बारे में? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, सही और गलत की पहचान तुम्हें नहीं रही, पर जो तुम सोच रही हो वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा पागलपन है। देखो, तुम फिर से मुझसे उसी तरह से बर्ताव कर रहे हो, प्यार से नहीं बात कर सकते क्या? मेरी चाहत को तुम पागलपन कह रहे हो? तुम देखना चाहते हो तुम कि तुम्हारे प्यार में मैं किस हद तक जा सकती हूँ? हाँ देखो, 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 देखो ये सब। देखो, इतना ही नहीं,
है। अब पता चल गया, पता चल गया तुम्हें मैं किस हद तक तुम्हें प्यार करती हूँ। तुम चाहती क्या? मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम सीआईडी वीआईडी छोड़ दो यार। मतलब हम खुद की टीम बनाएंगे और साथ मिलकर गुनेगारों को पकड़ेंगे। तुम्हें मालूम है तुम क्या कह रही हो? बीच में मेरी बात मत काटो। लुक, ध्यान से मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें जान से ज्यादा प्यार करती हूँ। हम जल्दी शादी करेंगे। ओह माय गॉड, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। हम जल्दी शादी करेंगे और हमेशा साथ रहेंगे। चुप, चुप हो जा। ये नामुमकिन है, नामुमकिन। ये तुम्हारी गन है ना अभिषेक? इस गन ने हर नामुमकिन चीज को मुमकिन किया है ना? आज भी करेगी। क्या करना चाहती? तुम सोच भी नहीं सकते अभिजीत कि एक औरत अपने प्यार में किस हद तक जा सकती है। कुछ नहीं कर सकती, तुम्हारे अंदर हिम्मत ही नहीं है। मारो गोली, मारो। तो मंदिर के आसपास सब जगह चेक कर लिया, ये आश्रम बचा है। ये कैसी महिला आश्रम? पूजा यहाँ पे क्यों आएगी? तो अंदर जाके ही पता चलेगा। मैम, हम लोग सीआईडी से आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। सीआईडी? मुझसे क्या सवाल पूछना है? इस औरत को पहचानती हैं? ये तो पूजा है, अक्सर यहाँ आती थी अपनी सहेली से मिलने। सहेली से? हाँ, रोशनी। वो इसी आश्रम में मरीज थी, लेकिन रोशनी उससे मिलने से हमेशा इनकार किया करती थी। वो कभी भी अपनी सहेली पूजा के सामने तक नहीं आना चाहती थी। नहीं, नहीं मिलना मुझे उसे। नफरत करती हूँ मैं उससे, नफरत करती हूँ मैं उससे। और इस बात से दुखी होकर पूजा अक्सर बाहर बेंच पर घंटों इंतजार किया करती थी रोशनी का। है ना बड़ी अजीब बात, जबकि रोशनी और पूजा एक दूसरे की इतनी अच्छी सहेलियां थी, रोशनी पूजा से मिलना क्यों नहीं चाहती थी? ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि इन दोनों की दोस्ती रिमांड होम में हुई थी। रिमांड होम में? जी सर। कहीं ये पूजा एक ड्रग पेडलर तो नहीं? उसके घर से हमें ड्रग्स मिली थी। हाँ निर्जा जी, क्या आपको रोशनी के बारे में कुछ खास बात याद आती है? मेरा मतलब है कोई अजीब सी बात। रोशनी जब किसी से नफरत करती थी तो बहुत नफरत करती थी, और अगर किसी को पसंद करती थी बहुत ज्यादा पसंद करती थी। वैसे ही जैसे आपके एक सीआईडी के टीम मेंबर को बहुत पसंद करती थी। किसकी बात कर रही हैं आप? उनका नाम शायद अभिजीत है। अभिजीत? हाँ, अभिजीत सर की तो बिल्कुल दीवानी थी वो, और जब भी उनके बारे में कुछ भी छपता था पेपर में तो काट के ना आर्टिकल अपने पास रख लिया करती थी। उसे तो उन्हीं की तरह एक सीआईडी ऑफिसर बनना था। जब आपको पता था कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है तो फिर आपने उसे यहाँ से जाने क्यों दिया? नहीं, अभी उसकी हालत में काफी सुधार था और डॉक्टरों ने कहा कि वो बिल्कुल ठीक है, तो हमने उसे जाने दिया। रोशनी गई कहाँ? एड्रेस तो कोई मुझे पता नहीं है, लेकिन हाँ पूजा आई थी उसे लेने और साथ में एक आदमी भी आया था, और रोशनी उन दोनों के साथ चली गई। आप क्या कह रही हैं? अभी तो आपने बताया कि रोशनी पूजा से मिलना ही नहीं चाहती थी, तो फिर वो उसके साथ गई कैसे? हाँ, उस समय मुझे भी थोड़ा सा अजीब लगा था। कौन था यार? वो तो मुझे नहीं पता। दिखता कैसे था वो? उसने बहुत ही भड़कीले कपड़े पहन रखे थे, गॉगल्स लगाए थे, और हाँ उसने एक सोने की चेन पहन रखी थी जिसमें एक पेंडेंट था सोने का, जिसपे रोनी लिखा हुआ था। रोनी? रोनी नाम कहीं सुना है सर मैंने। सॉरी सर, क्लब फिलहाल बंद हो चुका है, शाम को 7 बजे खुलेगा। मालूम है, हम लोग सीआईडी से। सीआईडी?
हाँ सीआईडी। एक बात बताओ, ये तुम्हारा जो क्लब है रॉनी, रॉनी नाम का और भी कोई क्लब है क्या? और कोई नहीं है सर, यही है। शाम को आकर देखिएगा साहब, बहुत रौनक रहती है यहाँ पे, जगह नहीं रहती यहाँ पे सर। अच्छा और एक बात बताओ, लॉकेट पर जो रॉनी लिखा हुआ होता है ना, ऐसा लॉकेट पहने हुए तुमने किसी को देखा है? बहुत सारे लोग पहनते हैं सर, क्लब के मेंबर्स, पार्टनर्स, सभी लोग पहनते हैं। कौन कौन लोग ये लॉकेट पहनते बता सकते हो? कोई लिस्ट है उनकी? वो तो मैं नहीं बता सकता साहब। हाँ टीना मैम बता सकती हैं। ये टीना मैम कौन है? हमारे साहब की सेक्रेटरी है सर। क्लब के मालिक कौन है? सर वो दीवान साहब। तुम्हारे दीवान साहब को फैंसी सनग्लासेस और सोने का चैन वगैरह पहनने का शौक है? ठीक पहचाना सर आपने। आप चाहे तो उनकी फोटो देख सकते हैं उनके ऑफिस में। आपको दीवार पे टांगने का बहुत शौक है ऐसे? हाँ देख काम करो, इसकी फोटो खींचो और उस आश्रम में भेज दो। अगर ये वही आदमी है जो रोशनी को लेकर गया था तो इस फोटो के साथ साथ इसे भी टांग देते हैं। अरे कौन है आप लोग, और किसी के भी ऑफिस में बिना परमिशन के घुस जाते हैं? अरे ये क्या कर रहे हैं आप, ये फोटो खींच के कहाँ जा रहे हैं? मैडम मैडम आप गुस्सा मत होइए, मैं ना आपकी भी फोटो खींच लेता हूँ। हेलो या मैम, मैंने अभी भी एक फोटो ईमेल किया आपको, जरा देख के बताना मुझे फौरन कि ये वही आदमी है क्या जो रोशनी को आपके यहाँ से ले गया था आश्रम से? जी मैं अभी चेक करके आपको बताती हूँ। सर जी ये वही आदमी है। वही आदमी है? वाह रोशनी वाह, तुम जैसी निडर और बहादुर लड़कियां आजकल तो देखने को भी नहीं मिलती। तुम मेरी क्या फैन बनोगी रोशनी, अब से तो मैं तुम्हारा फैन हो गया। ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ ठीक कह रहा हूं, ये तुम्हारा स्टाइल, तुम्हारे कपड़े एक सीआईडी ऑफिसर की तरह ही तो है, और तुम मेरे और मेरे काम के बारे में सब कुछ जानती हो। तुमसे बढ़िया पार्टनर मुझे और कहाँ मिलेगा? तुम सीआईडी छोड़ दोगे? छोड़ दूंगा बिल्कुल छोड़ दूंगा। एक्चुअली मैं तो खुद छोड़ना चाहता था रोशनी, मैं सीआईडी छोड़ दूंगा। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम मान गए। मैं तो तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था। इम्तिहान मतलब? जानती हो दुनिया में सबसे ज्यादा मुश्किल काम क्या होता है? एक जिंदा आदमी पर गोली चलाना। तुम उस इम्तिहान में पास हो गए रोशनी। अब हम लोग अपनी एक टीम बनाएंगे जिसमें सिर्फ तुम रहोगी, मैं रहूंगा, सिर्फ हम दोनों। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मैं कितनी खुश हूं। मैं भी बहुत खुश हूं, बहुत खुश हूं रोशनी। इस खुशी को तो हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। यस हाँ, मैं शैंपेन लेके आती हूँ। अभिजीत तुम सच कह रहे हो ना? बस यही एक प्रॉब्लम है तुम लोगों में, तुम लोग कभी विश्वास ही नहीं करती। सॉरी अभी आती हूँ।
सर्जेंट, क्या पता चला? सर मैंने चेक किया है, पिछले कुछ सालों में दीवान नाम के किसी भी आदमी का कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है सर। दीवान का कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, कैसे हो सकता है? सर जितने भी चेहरे सामने आए हैं उनमें से किसी का भी चेहरा दीवान के चेहरे से मैच नहीं करता। एक काम करो सचिन, जितने भी लोग हैं उन सबके चेहरों पर दीवान के चेहरों की तरह मूछे, बाल, गॉगल्स, भुआया सब लगा कर देखो, देखो कोई चेहरा मैच होता है क्या। सर श्रेया तुम्हें क्या मिला? सर कुछ नहीं, सारी फाइल्स छान मारी, दीवान नाम के आदमी का कोई रिकॉर्ड नहीं है हमारे पास। नहीं 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 नहीं, ये हो ही नहीं सकता, कोई ना कोई तो रिकॉर्ड होगा ही होगा। ये देखिए माय गॉड, क्या हुआ सर? अरे तो केदार है, केदार अभिजीत ने 4 साल पहले इसे स्मगलिंग के केस में पकड़ा था, 5 साल की सजा भी हुई है इसे और 3 साल के अंदर ये छूट भी गया सर, और तब से ये कहाँ है किसी को कुछ पता नहीं। पता लगेगा भी कैसे ये केदार दीवान बनकर क्लब रॉनी चला रहा है और शायद अभिजीत से बदला लेने के लिए अपना जाल बिछा रहा है। मतलब अभिजीत सर की जान को खतरा है? रेडी, जब तक हम लोग हैं अभिजीत का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता, ध्यान में रखना है। इस केदार के सारे अड्डों के बारे में पता लगाओ, देखो कौन से बिल में छुपा है ये चूहा। बोल अभिजीत कहाँ है, बोल। मुझे नहीं पता, नहीं पता मुझे। मैंने तुझसे कहा था ना उसे छोड़कर मत जाना, कहा था कि नहीं? नहीं छोड़ा था मैंने उससे, उसने मुझे धोखा दे दिया, मैं तो उसे यहीं पे बांध के गई थी। बांध के गई थी? बांध के गई तो कहाँ कहाँ? बड़ी मुश्किल से तुझे बेवकूफ बनाकर उसे यहाँ तक लेकर आया था। क्या मुझे बेवकूफ बनाकर? हाँ तुझे बेवकूफ बनाकर, क्योंकि जब मुझे पता लगा कि तू अभिजीत के प्यार में पागल है, इसी दिन मैंने सोच लिया था कि अभिजीत से बदला लेने का इससे अच्छा तरीका नहीं है। इसकी वजह से मेरा सारा धंधा चौपट हो गया, सजा हुई मुझे, 3 साल जेल में सरता रहा मैं, और तूने मेरा सारा प्लान चौपट कर दिया। अब तू मेरे किसी काम की नहीं है, अब तेरे जीने का कोई फायदा नहीं, अब तेरे जीने का कोई फायदा नहीं। नहीं दीवान, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, प्लीज, तुम मुझे नहीं मार सकते। अभिजीत, क्या लगा तुम्हें नाम बदलकर हमारी आंखों में झोल झोंक सकते हो और अभिजीत सर से बदला ले सकते हो? हेलो, तुमने मुझे धोखा दिया,
मैं तो तुमसे प्यार करती थी। मैं श्रेया आश्रम ले जाओ इसे। नो चलो नहीं चलो अभिषेक तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मुझे नहीं जाना। तो पता क्यों किया तुमने ये सब? पूजा मेरे साथ ड्रग्स का धंधा करती थी और एक दिन जब मैं पूजा के साथ रोशनी से मिलने गया तो वहां मुझे पता चला कि वो अभिजीत की दीवानी है। बस उसके बाद अपने मकसद के लिए मैंने रोशनी का इस्तेमाल किया। रोशनी ने अभिजीत को फोन किया और बुला लिया उसे मदद के लिए और जब अभिजीत वहां पर पहुंचा तो तुम्हें लगा कि तुम्हारा मकसद पूरा हो गया, तुम अभिजीत से अपना बदला ले सकते हो, है ना? भूल गए पिछली बार स्मगलिंग के जुर्म में 5 साल के लिए अंदर भेजा था मैंने तुम्हें। ड्रग्स के गैर कानूनी धंधा करने के लिए और एक सीआईडी ऑफिसर को किडनैप करने के लिए तुम्हें कम से कम उम्र कैद तो होगी ही होगी। ले चलो इसे। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.